17 जिलों की 264 और कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित। 10,542 को मिलेगा प्लाट। कॉलोनियों के विकास के लिए 54 करोड़ रुपए भी जारी। 2.9 लाख आए आवेदन। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पंजीकरण पोर्टल पर मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले 1.5 लाख लोगों ने प्लाट व करीब 1.38 लाख ने फ्लैट के लिए फॉर्म भरा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र आवेदक 1 फरवरी से हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। लोगों को पोर्टल के माध्यम से अपना प्लाट चिन्हित कर उसे लॉक करना होगा। इसके लिए उन्हें बुकिंग राशि के तौर पर 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे। इन सभी को 15 दिन में प्लाट आवंटित कर दिए जाएंगे। प्लाट आवंटन प्रक्रिया में घुमंतू जाति, विधवा और अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले चरण में यह प्लाट चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदो, पिंजौर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल, जुलाना में दिए जाएंगे। तो ये शहर हैं जहां पर पहले चरण में प्लाट मिलेंगे। चरखी दादरी, गोहाना, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, सफीदो, पिंजौर, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, पलवल, जुलाना में ये प्लाट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ये प्लाट 15 दिन के भीतर दे दिए जाएंगे। 14 शहरों में पहले चरण में ये शुरुआत की गई है। 10,542 लोगों को ये प्लाट दिए जाएंगे। शुरुआत में पहले चरण के दौरान 10,542 लोगों को प्लाट मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पानीपत में 14, पलवल में 44, पंचकुला में 21, महेंद्रगढ़ में 12 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। वहीं निकाय की 173 कॉलोनियों में से अंबाला की 7, जींद की 3, हिसार की 4, रोहतक, कुरुक्षेत्र, पानीपत की 11, सिरसा और फरीदाबाद की 5 कॉलोनियों को नियमित किया गया है।